मेरे गांव में मतलब लोग ये बस यही सोचते हैं कि लड़कियां बस उनका इतना ही काम है घर तक रहना, देन शादी करना, देन फैमिली इंक्रीज करना, दैट इज. बट मैं उनको शो दिखाना चाहती हूँ कि लड़कियों का सिर्फ यही काम नहीं होता और कुछ भी होता है. हाँ होता है, बट टाइम होता है हर चीज़ का. और मैं जब अपने पापा को देखती हूँ, उनकी आईज़ में देखती हूँ, तो जब मैं बताती हूँ पापा को कि पापा मेरे इतने मार्क्स आए हैं, मुझे ये प्राइज़ मिला है, ये प्राइज़ मिला है, तो पापा बहुत खुश होते हैं. बट पापा की जो एक्सपेक्टेशन होती है वो भाई से होती है, जो कि भाई पूरी नहीं कर पाता है. तो मुझे ज़्यादा खुशी होती है कि आपको एक्सपेक्टेशन भाई से होती है, लेकिन वो मैं पूरी करती हूँ आपको. तो जब मैं कुछ अच्छा काम करती हूँ तो पापा कहते कि बेटा, मेरे को कहते तू मेरे बेटे जैसा है. तो पापा को कहती हूँ पापा बेटे जैसा, बेटी क्यों नहीं? तो फिर पापा कहते कि मेरे कहने का मतलब वो नहीं था. मतलब जब मैं उनकी आँखों में देखती हूँ तो वो जो खुशी होती है वो एक्सप्रेस होती है. लेकिन मेरे पापा ने कभी अपने लिए एक जोड़ी नया कपड़ा तक नहीं खरीदा अपनी लाइफ में. वो यू नो हमारे वो बेसिक नीड हमारी पूरी करते, वो हमारे लिए बहुत है. जैसे क्लासेस आने के लिए बस का किराया और खाना, और हम लोग ईद को भी कपड़े नहीं खरीदते. और आश्रम से हमें कपड़े मिले थे, हम ये वही कपड़े जो मैंने आज इंटरव्यू के लिए पहने.